हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास ओप्पो का A38 डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास ओप्पो का A38 डिवाइस और आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में हीटिंग प्रॉब्लम होती है, हमारा डिवाइस ऑटोमेटिकली हीट या ओवर हीट हो जाता है। तो गाइस, यहाँ अगर आपका भी डिवाइस हीट या ओवर हीट होता है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स और सेटिंग्स देखा हूँ जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट कर देने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जैसे किसी किसी भाई का सवाल होता है कि हमारा डिवाइस हीट या ओवर हीट होने लगा है, आपका कार्ड कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी किसी भाई का सवाल है गेमिंग करते टाइम हीट हो जाता है, किसी भाई का सवाल हो सकता है चार्जिंग करते टाइम हीट हो जाता है, या किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारे मोबाइल में जब से अपडेट आया है ऑटोमेटिकली हीट हो रहा है। तो आपका रीजन कुछ भी हो सकता है किसके कारण आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट हो रहा है, गेमिंग करते टाइम, चार्जिंग करते टाइम, या अपडेट आने के बाद हीट हो रहा है, वो नहीं होगा। आपको करना है, यहाँ पर मैं आपको लेकर चलूँगा मल्टी स्क्रीन पर, वहाँ पर टिप्स और सेटिंग्स कर रहा हूँ, उसे आपको वीडियो को फॉलो करना, वीडियो को एंड तक वॉच करना, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, और आपका डिवाइस हीट या ओवरहीट नहीं होगा। कैसे भी करके हीट कर रहा हो वो नहीं होगा। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मल्टी स्क्रीन पर करना है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद आपको एक से एक हैवी सेटिंग बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है। सबसे पहली बात तो आपको कंट्रोल सेंटर को नीचे करना है। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल सेंटर को नीचे करोगे, यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपका वाईफाई, ब्लूटूथ और आपका लोकेशन, ये तीन चीज़ ऑन रहती हैं कि ऑफ रहती हैं। क्योंकि गाइस, यहाँ पर आपके डिवाइस में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती हैं और आपके बैकग्राउंड में रन करती हैं, जिससे आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट होने लगता है। एंड जब भी आप मोबाइल को चार्ज पर लगाते हो तब भी ये ऑफ होने चाहिए, क्योंकि चार्जिंग करते टाइम अगर आपका डिवाइस हीट हो रहा है तो इन्हीं की वजह से हो रहा है। दूसरी बात, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पर लगाते हो आपको रिसेंट मेनू पर क्लिक करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने यूज किया फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गेम वगैरह जो भी आपने यूज किया, यहाँ से आपको रिसेंट पर क्लिक करना है, और यहाँ से सभी एप्लीकेशन को क्लीन करने के बाद बैकग्राउंड से तभी आपको चार्ज पर लगाना है। उस कंडीशन में आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा चार्जिंग करते टाइम, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर भी अगर आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट होता है तो आप एरोप्लेन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इसे ऑन करके मोबाइल को चार्ज पर लगाओगे, उस कंडीशन में आपकी सिम सर्विस ऑफ हो जाती है और आपका डिवाइस हीट या ओवर हीट नहीं होगा। एंड गाइस, यहाँ पर अब आपको बताना चाहूँगा, किसी किसी भाई का सवाल हो सकता है कि हमारा मोबाइल नॉर्मली या कैमरा यूज करते टाइम हीट होता है या गेमिंग करते टाइम हीट होता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाना है। जैसे कि मान लीजिए ये एप्लीकेशन गेम है, एफ इन्फॉर्मेशन में जाना है इसके। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूज का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लियर किचे कर देना है। क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर किचे करना है। उसमें जो बैकग्राउंड में जो भी डाटा होगा, बग वायरस होंगे, जंक फाइल होगी, वो क्लीन हो जाएगी और आपका डिवाइस है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, भले ही वो कैमरा हो, गेम हो, या कॉलिंग एप्लीकेशन हो, किसी भी एप्लीकेशन की वजह से आपको लगता है हीट हो रहा है तो अब वो क्लीन हो जाएगा और हीट नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब सिंपली आपको जाना है सेटिंग में। जैसे कि यहाँ पर सेटिंग में आओगे, किसी किसी भाई का सवाल होता है कि हमारा डिवाइस अपडेट करने के बाद हीट हो रहा है, तो गाइस यहाँ पर बताना चाहूँगा, कभी कभी अपडेट में बहुत ज़्यादा बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं, बैटरी ड्रेन, हीटिंग प्रॉब्लम, स्लो चार्जिंग प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट अपडेट का वेट करना है। बाई चांस अगर आपको अपडेट मिल चुका है तो आपको क्या करना है, उस अपडेट को भी कर लेना है, जिससे आपका डिवाइस हीट नहीं होगा। तो आपको अपडेट का वेट करना है। अब सिंपली आपको आना नीचे एंड आपको जाना बैटरी वाले ऑप्शन में। जैसे कैसे यहाँ पर आप बैटरी वाले ऑप्शन में आओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर बैटरी सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। गाइस यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको चेक करना है कि आपका डिवाइस है, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाई परफॉर्मेंस मोड। तो आपको करना है कि आपका मोबाइल कौन से परफॉर्मेंस मोड पर रन कर रहा है। हाई परफॉर्मेंस मोड अगर ऑन है तो आपको इसे ऑफ कर देना है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज बैटरी यूज, इस पर आपको क्लिक करना है। किसी किसी भाई का सवाल होता है, ज़्यादातर सभी भाई का सवाल होता है, गेम की वजह से हीट हो रहा है या कॉलिंग की वजह से हीट हो रहा है, तो आपको सभी एप्लीकेशन को, गेम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देख सकते हो सभी ऑलवेज आस पे लगे हुए हैं। इसे आपको क्या करना है, मान लीजिए ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन गेम है, इसे आपको ऑटो ऑप्टिमाइज कर देना है। ऑटो ऑप्टिमाइज मतलब है ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा जब आप इसे यूज करोगे। ऐसे ही करके अगर आप गेम खेल रहे हो तो गेमिंग करते हैं ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल उस गेम से ही आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, हीट नहीं होने देगा ज़्यादा। तो आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो। सिंपली आपको जाना बैक एंड आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग, अगर आपका डिवाइस चार्जिंग करते टाइम हीट होता है इसे आपको ऑन कर देना है। ये भले ही नाइट चार्जिंग लिखा है बट इसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल जैसे ही चार्ज पर लग जाएगा ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल आपकी बैटरी को ऑप्टिमाइज करता रहेगा, हीट नहीं होने देगा, भले ही वो ज़्यादा देर तक लगा रहे या कम देर तक लगा रहे, तो आप इसे ऑन कर सकते हो परमानेंटली। सिंपली आपको जाना बैक। तो गाइस यहाँ पर ये थी कुछ सेटिंग। एंड अब आपको एक लास्ट में एडवाइस देना चाहूँगा, जब भी आप मोबाइल को चार्ज पर लगाते हो हमेशा रिसेंट मेनू को क्लीन करके रखो, यहाँ से सभी चीज़ों को डिलीट करके रखो। दूसरी बात, जब भी आपको कॉलिंग वगैरह की वजह से हीट हो रहा है, कॉलिंग एप्लीकेशन को क्लियर कैसे कर सकते हो। तीसरी बात, आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली हीट कब होता है, आपकी स्टोरेज पर ज़्यादा लोड हो, मोबाइल पर ज़्यादा लोड हो, तो सबसे पहली बात फालतू के फोटो
वीडियो एप्लीकेशन भी आपको डिलीट कर दें। जैसे फालतू की चीज़ डिलीट होगी ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरेज कम हो जाएगी और आपका मोबाइल लाइट मोड में आ जाएगा, ऑटोमेटिक हीट या किसी की वजह से हीट नहीं होगा। तो इन सेटिंग को आपको फॉलो करना है। ऐसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच के आज की वीडियो में, बस इतना ही।